इस राज्य की लगभग 48 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री भैया योजना से जोड़ दिया है और ये योजना खत्म होने वाला नहीं, ये योजना चलता रहेगा। जिस महिला का उम्र 21 साल हो जाएगा स्वतः मुख्यमंत्री भैया योजना का हकदार हो जाएगी। और इसीलिए बहुत सारा महिलाओं का कल 21 साल हो जाएगा, किसी का आज हो जाएगा, किसी का परसों हो जाएगा, किसी का तरसों हो जाएगा। अगर हम आज का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि 6.5 लाख पर। और ये उत्साह, ये उमंग कल भी हम संसार प्रधाना के एक कार्यक्रम में थे। इतना बारिश, इतना बारिश, और उस बारिश में भी महिलाओं का जो तांता लगा हुआ था उस कार्यक्रम में आने का, पंडाल भर गया, पंडाल से बाहर बारिश में खड़ी महिलाएं अपना उत्साह उद्गार व्यक्त कर रही थी। और यही उद्गार, यही उत्साह, यही उमंग हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने की। हमें शक्ति मिलती है इस राज्य के आदिवासी, दूरवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक के लिए काम करने की, जो इस देश में, इस राज्य में सबसे पिछड़े लोग। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सरकार 2019 को बनाया, इससे पहले 19-20 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज को हांकने का काम किया, लेकिन उसमें भी 10-11 महीना हम लोगों ने उससे छीना भी, लेकिन फिर हम लोग छूट गए। फिर डबल इंजन का सरकार आ गया और उस डबल इंजन का सरकार तो इतना तांडव किया इस राज में कि वो भी एक इतिहास का पन्ना है। उनके 5 साल के दिन भी लिखे जाएंगे। अब तो कटवाई डबल इंजन के सरकार से त्रस्त आकर के राज्य की जनता ने यहां के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनाई, झारखंडियों की सरकार बनाई, आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नमाज इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें। कितना जेल भरोगे, कितना झूठा आरोप लगाओगे, आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो गलत सलत आरोप लगा करके ये लोग हमें और हमारे राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बहुत सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से गाड़ी घोड़ा सब बात बढ़ रहा है, कोई बेलेरो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई बस ले रहा है, स्वरोजगार के लिए लगे हुए लोग। आज बारिश का मौसम में कई बदलाव हो रहे हैं, समय पर बारिश नहीं होता, आज किसान भी परेशान है, इसीलिए किसानों के लिए सिर्फ धान पर निर्भर कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कई खेती की व्यवस्था है उसके माध्यम से अपने आप को किसान के रूप में अपना काम करते रहे, इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना भी लाया, दीदी बगिया योजना लाया है, दीदी बाड़ी योजना लाया है, ताकि धान के अलावा आप मकई लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, उससे भी लोग अपना आमदनी बढ़ाता है, अपना पैसा कमाता है। कई ऐसा राज्य है, कई ऐसा देश है जहां
दलों के माध्यम से पूरा दुनिया में नष्ट कराता है और उसका अर्थव्यवस्था